अगर मालवा में किस तरह से किसानों को अफीम के पट्टे दिलाने के नाम पर लूटा जा रहा है, इसका उदाहरण नीमच जिले से सामने आया है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अफसरों को भी पता नहीं है कि पट्टों के नाम पर भोली भाली जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। ये जो दादा आए हैं, क्या इनका नाम है और किस वजह से आप लोग इसे खाता है? सर, ये किसान है नाथ सिंह पिता मांगीलाल जी बंजारा निवासी रायसिंहपुरा के रहने वाले हैं और इनका जो शोषण किया गया है, ये निरंजन देवीलाल नाजदा जो भादो माता के मुखिया हैं, उन्होंने इनसे 50-50 हज़ार रुपये दो किस्तों में लिए हैं अफीम पट्टा दिलाने के नाम से। और एक ये जो संभावित सूची आप जो देख पा रहे हैं, जिसमें 2001 से 2005 तक जो इनकी किसान नीति के द्वारा जो सरकार ने एक इश्यू जारी किया था कि उस लेवल पर आपको पट्टे दिए जाएंगे, तो संभावित सूची 2018-19 की जो बनी है उसके अंदर इनका नाम पहले से लिखा हुआ है। और निरंजन नागदा ने इनको बोला था कि 1 लाख रुपये और आप हमारे को दे दोगे तो 19-20 में आपका नाम आ जाएगा और आप पट्टा बोने लायक किसान पात्रता में आ जाओगे। संबंधित किसान को निरंजन नागदा द्वारा बोला गया कि तू अफीम बो दे, तेरे खेत में खाद भी ले ले और पट्टा आएगा नहीं आएगा वो मेरी जिम्मेदारी है। और 1 लाख रुपए लेने के बाद ये लगता है हमारे को कि बंजारा समाज इतनी पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण ऐसे निरंजन नागदा जैसे दलालों के द्वारा समाज का शोषण किया जा रहा है। और इनको बोला गया कि तू अफीम बो दे, यदि ये किसान अफीम बो देता तो नारकोटिक्स विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई कर देता और निरंजन नागदा जैसे दलाल अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते और इनसे संभावना ये बनती है 1 लाख की जगह 5 लाख और वसूले जाते। क्या 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 आश्वासन दिया एसपी साहब ने, क्या बात की? एसपी साहब ने विवेचना में लिया है और हमें आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जाँच की जाएगी, इसके बाद हम डीएनसी कार्यालय भी आवेदन देने के लिए जाएंगे। और हमारी आपसे गुजारिश है, पत्रकार बंधुओं से भी हमारी प्रार्थना है कि जो ऐसे दलाल लोग हैं उनका पर्दाफाश आप करें। और हम चाहते हैं कि ऐसे नागदा जैसे, क्या नाम है? अर्जुन चावड़ा मेरा नाम है, सिरखेड़ा का मैं निवासी हूँ। ठीक है, उनके पास गया तो पैसा का नाम कहता हूँ तो वो कहता है कि तेरे को केस में फंसा दूंगा, कान 2 किलो ठोकरा फंसा दूंगा। अम्पीन का नाम कहता है 100 ग्राम अमल नहाल दूंगा तेरा खोलिया के अंदर, मैं केस लगा दूंगा तेरे ऊपर। किस पट्टे की बात कर रहे हो, किस पट्टे के जो है आपने पैसे? मेरा पट्टा का पैसा दिया था। पट्टा कहाँ गया? अमल का पट्टा, अफीम का पट्टा। अमल का पैसा, अफीम का? हाँ हाँ, अफीम का अमल नीति का पट्टा था जो उसने किया। लिस्ट में नाव है, संभावने लिस्ट में भी नाम आ गया था मेरा, फिर क्या घोटाला किया इसी निरंजन ने और मेरे साथ में धोखाधड़ी कर। अभी यहाँ आए किस बात की है? ये पट्टा के लिए आए हूँ, अमल का पट्टा। क्या गुहार लगे आपको? क्या नाम है आपका? नाथ सिंह। अब आ जाओ, बोल रहा अब आ जाओ बोल। ये जो दादा आए हैं, क्या इनका नाम है और किस वजह से आप लोग इनके साथ आए हैं? सर, ये किसान है नाथ सिंह पिता मांगीलाल जी बंजारा निवासी रायसिंहपुरा के रहने वाले हैं और इनका जो शोषण किया गया है, ये निरंजन देवीलाल नागदा जो भादो माता के मुखिया हैं, उन्होंने इनसे 50-50 हज़ार रुपये दो किस्तों में लिए हैं अफीम पट्टा दिलाने के नाम से। और एक ये जो संभावित सूची आप जो देख पा रहे हैं, जिसमें 2001 से 2005 तक जो इनकी किसान नीति के द्वारा जो सरकार ने एक इश्यू जारी किया था तो उस लेवल पे आपको पट्टे दिए जाएंगे। तो संभावित जो सूची 2018-19 की जो बनी है उसके अंदर इनका नाम पहले से लिखा हुआ है। और निरंजन नागदा ने इनको बोला था कि 1 लाख रुपये और आप हमारे को दे दोगे तो 19-20 में आपका नाम आ जाएगा और आप पट्टा बोने लायक किसान पात्रता में आ जाओगे। संबंधित किसान को निरंजन नागदा द्वारा बोला गया है कि तू अफीम बो दे, तेरे खेत में खाद भी ले ले और पट्टा आएगा नहीं आएगा वो मेरी जिम्मेदारी है। और 1 लाख रुपए लेने के बाद ये लगता है हमारे को कि बंजारा समाज इतनी पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण ऐसे निरंजन नागदा जैसे दलालों के द्वारा समाज का शोषण किया जा रहा है। और इनको बोला गया कि तू अफीम बो दे, यदि ये किसान अफीम बो देता तो नारकोटिक्स विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई कर देता और निरंजन नागदा जैसे दलाल अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते और इनसे संभावना ये बनती है 1 लाख की जगह 5 लाख और वसूले जाते। क्या 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 आश्वासन दिया एसपी साहब ने, क्या बात की है? एसपी साहब ने विवेचना में लिया है और हमें आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जाँच की जाएगी, इसके बाद हम डीएनसी कार्यालय भी आवेदन देने के लिए जाएंगे। और हमारी आपसे गुजारिश है, पत्रकार बंधुओं से भी हमारी प्रार्थना है कि जो ऐसे दलाल लोग हैं उनका पर्दाफाश आप करें। और हम चाहते हैं कि ऐसे नागदा जैसे, अर्जुन चावड़ा मेरा नाम है, सिरखेड़ा का मैं निवासी हूँ। ठीक 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 है ठीक। दादा बताएं, क्या एसपी कार्यालय किस लिए आए? क्या अमल का पट्टा के लिए? मेरे नरेंद्र भादो माता का मुखिया ने 50,000 रुपये ले लिया, फिर लिस्ट में नाव आया, बाद में भी और 50,000 की मांग करी, मैंने 1 लाख रुपये दे दिया, फिर पट्टा मेरा नहीं मिला, फिर उसने किया धोखाधड़ी करके और साहब लोग से कह के और पट्टा मनाएगा, फिर वो साहब ग्वालियर चली गया, बदली होगी। फिर मैं निरंजन के पास पैसा मांगवा जाता हूँ तो निरंजन पैसा नहीं देता है, भादो माता का मुखिया।
मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है। अच्छा पहले जो साहब को पैसे दिए वो कौन साहब, क्या क्या नाम है? मेरा साहब को उसने नहीं ना उस बताया नहीं मेरे को, दिन से साहब ने किया कि तेरे पोर पट्टा में दे दूँ बेटा, नरेजन का केस मत लगा। हाँ वो देवेंद्र साहब की बदली होगी गोयल से लेकर, देखो तो मैं पता ही मैडम बैठती है, मैडम के पास गया तो उसने किया बेटा मेरे पास में तो कुछ नहीं लिखा था क्या, और मैं क्या करूँ फिर धोखा खड़ी करी तो उसने कर दी। आप फिर नरेंद्र के पास गया तो पैसा का नाव कहता हूँ तो वो कहता है कि तेरे को केस में फंसा दूँगा, कहाँ दो किलो छोटा फंसा दूँगा, अफीम का नाव कहता है 100 ग्राम अमल नाग दूँगा तेरा खोलिया के अंदर, मैं केस लगा दूँगा। आप किस पट्टे की बात कर रहे हो और किस पट्टे के जो है आपने पैसे दिए? मेरा पट्टा का पैसा दिया है। का पट्टा का है? अमल का पट्टा, अफीम का पट्टा, अमल का पट्टा, अमल नीति का पट्टा था जो उसने किया। लिस्ट में नाव है, समावनी लिस्ट में भी नाव आ गया था मेरा, फिर क्या घोटाला किया इसे निरंजन ने और मेरे साथ में धोखाधड़ी कर। अभी यहाँ आए किस बात की आए? HDFC बैंक गंगापुर सिटी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया। सरकारी अस्पताल ब्लड बैंक की टीम द्वारा 86 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। वहीं DM राकेश कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, इस बारे में आपने किस तरीके से तैयारी की और क्या क्या आपकी विचारधारा है वो बताएं। इसमें सर हमारी जो टीम है वो 15-20 दिनों से मतलब इस कार्य में लगी हुई है और मतलब टीम सब मिलके हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, इससे हमें जागरूकता हो रही है और हमें परफेक्ट इंस्टीट्यूट का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें इस कार्य को करने के लिए हमारी टीम को चुना गया और कार्य को हमने पूर्ण तरीके से हम करने पूर्ण कोशिश कर रहे हैं हमारी। सर आपका नाम और क्या कार्यभार है आपके ऊपर? सर मैं नितेंद्र जांगिड़ हूँ, मैं इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा काम है पूरी टीम को वॉच करने का, मतलब इनको देखने का कि कौन कैसा कार्य कर रहा है, इनको सबके ऊपर निगरानी रखने का जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये लक्ष्मीकांत जी गुप्ता जो हमारे इसके ओनर है, इनने पूरी जिम्मेदारी मुझको सौंपी है। और कैंप जो लगाया है डोनेशन कैंप के अंदर, तो कितने यूनिट अब तक डोनेट हो चुका है? सर अभी एक्चुअली क्या है कि मतलब कि दो बज चुके हैं और 2 बजे तक 71 के करीब डोनेशन हो चुका है और हमारा ऐसे रहता है 5 बजे तक चलेगा ये, तो 90+ तक कलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर दोनों टीमें लगी हुई हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टीम और ये हॉस्पिटल की टीम। अच्छा सर, इस बारे में और आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो है ब्लड की पूरे इंडिया में रिक्वायरमेंट जो है 12 मिलियन के करीब रिक्वायरमेंट है और इंडिया के जो डोनर्स है वो लगभग 9 मिलियन के करीब इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं, तो हम उस जो गैप है उसको फिलअप करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करके और हम उस गैप को फिलअप करें। और इसके लिए क्या है कि अपन को लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि रक्त जो दान है वो बिल्कुल सेफ होता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता उससे और ब्लड डोनेशन से बहुत प्रकार की बीमारियां भी जो होती है वो खत्म हो जाती हैं। सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के, जहां पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में सैकड़ों व्यापारियों के साथ घंटाघर चौक पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका गया और आए दिन हो रही ऑनलाइन ठगी से ग्राहकों को बचाने की मांग की गई और सरकार से ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ ठोस न्यायिक कानून बनाने की भी मांग की गई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 15 दिसंबर को ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण फुटकर व्यापार पर जिस कदर भारी नुकसान हो रहा है, भारतवर्ष का 5 करोड़ व्यापारी ऑनलाइन ट्रेडिंग से प्रभावित है, इलेक्ट्रॉनिक्स जूते का और कई वस्तुओं का व्यापार बंद हो चुका है, चाहे कपड़े का व्यापार हो, आने वाले समय में दालों और सब्जियां भी ऑनलाइन ट्रेडिंग पर आ रही हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो कि एक तरह से भारतवर्ष के व्यापार को तबाह करने के लिए लगी हुई है, गुणवत्ता के बगैर ऑनलाइन ट्रेडिंग में माल आता है और किसी भी ग्राहक को उसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। व्यापारी हर तरीके से गुणवत्ता के मामले में, गारंटी के मामले में, लोकल व्यापारी, फुटकर व्यापारी हर तरीके से अपने ग्राहक को पहचानता है, जानता है, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी वाले अपना ऑनलाइन अपना पैसा लेने के बाद ना उस माल को पहचानते हैं ना ग्राहक को पहचानते हैं और हमारे साथ लगभग 40 करोड़ लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। 5 करोड़ व्यापारियों के साथ उनकी दुकानों में काम करने वाले एक एक दो दो चार चार लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है। अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण हमारे व्यापार खत्म हुए तो सब लोग सड़कों पर होंगे और सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लगातार आर्थिक विकास दर जैसे कि आप देख ही रहे हैं
आज घट के 7% से 4.5% तक रह गई है। ये सब ऑनलाइन ट्रेडिंग की देन है। इस और इसमें फुटकर व्यापार को, हमारे व्यापारियों को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी ने भारत बंद का आह्वान किया है। हम अन्य व्यापार मंडलों से भी संपर्क करेंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे और मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली से प्रवीण खंडेवाल जी ने इस बंद को समर्थन दिया है। और भी जगह हम संपर्क कर रहे हैं सभी गुटों से। ये लड़ाई किसी गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम के वैशाली इलाके में अम्ब्रोसिया पैलेस में मेहंदी समारोह के दौरान हुई कहासुनी में एक युवक ने दो युवकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि समारोह के दौरान हुई झड़प के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। वहीं पुलिस सबूतों के आधार पर जांच में जुट गई। हाँ देखिए, ये शक वैशाली में अम्ब्रोसिया है और इसमें एक फंक्शन चल रहा था मेहंदी का और उसमें बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। जैसा कि अभी हम लोगों ने वीडियो फुटेज देखी है, इसके अंदर फंक्शंस में से जो फंक्शन में शामिल लोग थे, क्योंकि वो टेबल पे बैठे हुए दिख रहे हैं साथ साथ, वो तीन लोग एक साथ बाहर निकले हैं और उसमें बाहर जाके, गेट के बाहर जाके उनमें कुछ हॉट टॉक हुई है और हॉट टॉक होने पे एक व्यक्ति ने बाकी दो को गोली मार दी। अभी जो दोनों की पहचान हुई है वो एक विक्रम है और एक आनंद नाम का है। अभी शिनाख्त किया जाना बाकी है उनके परिजनों द्वारा, और जो मारने वाला वो भी उनके साथ ही था, उसकी शिनाख्त कराई जा रही है क्योंकि फंक्शन में वो भी शामिल था। और जो मृतक है उसके पास से भी लाइसेंसी पिस्टल मिली है, तो अभी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो मानने वाला है उसकी भी शिनाख्त हो जाएगी क्योंकि फंक्शन में वो भी शामिल था और इन्हीं के साथ आया हुआ था। तो अभी कुछ देर बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब बाकी बात बता पाएंगे। सर, किस तरीके का हथियार इस्तेमाल किया गया है? देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते किस तरह का हथियार किया गया है और कौन सा हथियार था, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होगा वो निकले, क्योंकि मौके से अभी कोई जो खोखा है वो भी नहीं मिला है। तो अभी कुछ देर और निकल जान दीजिए, अभी जांच चल रही है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी देखिए पोस्टमार्टम में पता चलेगा कितनी गोली मारी कितनी नहीं मारी। अभी फौरी तौर पे हम नहीं कह सकते क्योंकि डेड बॉडी यहाँ से चली गई थी और वो मॉर्चरी में रखी गई है। जिनकी हत्या हुई है उनके बारे में क्या पता चल पाया, वो कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, अभी वो सारी चीज़ें, अभी जो डॉक्यूमेंट मिले उनके आधार पर हम बता रहे हैं और बाकी जब परिवार वाले शिनाख्त करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ के रहने वाले थे, पूरा एड्रेस उनका पता चलेगा। जिनके यहाँ कार्यक्रम था उनका क्या कहना है? देखिए, वो अभी वो उसमें से बाकी लोग चले गए हैं और वो जैसा कि यहाँ की वीडियो फुटेज में है वो सब लोग कार्यक्रम में ही शामिल थे, तो अभी उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही घटना, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। गाजियाबाद धोनी के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के गांव खानपुर जब्ती में लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए की नकदी व गहने लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार के माने तो बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को हथियार की नोक पर लूटपाट की है। पिताजी का क्या नाम है? क्या काम करते हो? मैं नाई की दुकान पे हूँ। क्या था ये पूरा मामला? ये मामला ये था, मैं सेविंग कर रहा था, वो पी का आया फुल और मुझे गाली ऊपर देने लगा। मैंने कहा गाली के दे रो भाई, गाली वाली मत दो, तो बस इतनी सी बात पे उसने कट्टा ले रहा था और गोली ले रहा था, बहुत सारी कट्टे में गोली। क्या नाम था उसका गोली मारने वाला? कट्टे नहीं, कल्लू, पिस्टल कल्लू कहते हैं वैसे, ललित नाम है उसका, ललित शायद। कितने बजे घटना है? ये लगभग 10:15-10:30 बजे। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ विकास नगर। मेरा नाम हरिराम खारे है। हरिराम जी, क्या हुआ था जो लूट का एक मामला सामने आ रहा है आपके? क्या हुआ, कितने की लूट हुई? रात करीब, हाँ जी, रात करीब 11 बजे, ओ सॉरी, रात करीब 1 और 1.5 बजे के बीच में कुछ नकाबपोश बदमाश आए, जिनकी संख्या करीब करीब 7 और 8 के बीच में होगी, आसपास होगी। उन्होंने आके हम, मुझको और मेरे सारे परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया। उसके बाद में जब वो उन्होंने हमें गन पॉइंट पर ले लिया, पिछले बेटे को कुछ आहट हुई, वो उसने उस शोर मचा दिया, तो उसने वो लूटपाट करके और बाहर निकल गए थे। उस पर हमने पुलिस को सूचना दी, मेरे बेटे ने 100 नंबर पर कॉल की और पुलिस
आ गई थी। कितने पैसे की लूट हुई थी? मेरे यहाँ जी, मेरे यहाँ मैंने उस मेरे यहाँ 5 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी चली गई है। जो सूचना थी कि 15 लाख रुपए की लूट की शुरुआत की, हाँ उसके बारे में आपको ये बता रहा हूँ। मेरे पास में मैं कहीं से मुझे कहीं पेमेंट देनी थी एक प्लॉट की। मैं सुबह 15 लाख रुपए बच्चों के सामने लाया था। बच्चों ने सोचा कि हमारे 15 के 15 चले गए, इसलिए सूचना दी। लेकिन वह उनमें से 10 लाख रुपए जो मेरा मीडिएटर है, मेरा भाई, मैं उसको दे आया था शाम को। बच्चों को जानकारी नहीं थी इस बात, इसलिए 15 लाख की उन्होंने सूचना दी।